नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की फिल्म महाराजा देखकर आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो में यहाँ पर यही फिल्म के बारे में रिव्यू करेंगे, जानेंगे कैसी है ये फिल्म, क्या है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म का प्लॉट एंड ओवरऑल कैसी लगती है फिल्म। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो को भी से कर दो लाइक, चैनल बना हो तो प्लीज़ कर दो भैया चैनल को सब्सक्राइब, बैल आइकन दबा देना, एक सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही रिव्यूज़ ऐसे ही बॉक्स ऑफिस अपडेट्स सब जाने के लिए एक सब्सक्राइब बैल आइकन दबा देना। ठीक है, कर दिया करो, फ्री होता है, प्लीज़ कर दो एक सब्सक्राइब कर दो, क्या चाहते हो तुम्हारे। टिल दैट, बिना टाइम के अमेजिंग सी वीडियो को हमने यहाँ पर करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैंने हिंदी लैंग्वेज में देखा एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज अलग है, यानी कि फिल्म ओरिजिनली तमिल की है। ठीक है, तमिल लैंग्वेज की फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। सो ये जानते हैं कैसी है ये मूवी, क्या है ये मूवी। एंड देखो, मैं जोश में हूँ थोड़ा फिल्म देखने के बाद। ठीक है, तो अब वो आपको रिव्यू देखने पे पूरा एंड तक देखोगे तब समझ आएगा। ठीक है, तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है अपने विजय सेतुपति से। विजय सेतुपति जाते हैं पुलिस स्टेशन एक केस दर्ज कराने, FIR कराने। उनका जो स्टोरी रहता है, जो उनका केस रहता है वो ये रहता है कि उनके घर यहाँ पर लूटपाट चोरी हो जाती है। और चोरी क्या होती है जिसके बारे में केस लिखाने आते हैं, लक्ष्मी। अब आप बोलेंगे लक्ष्मी कौन है, पैसा है, धन दौलत, लड़की है कोई, वाइफ है कोई, नहीं। लक्ष्मी एक टीन का डब्बा है, एक कचड़े का डब्बा है, वो चोरी हो जाता है। पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि भाई कचड़े के डब्बे, एक मामूली से 300-500 रुपए का कचड़े का डब्बे के लिए कौन FIR लिखवाता है। पुलिस वाले धक्के मार के निकालते हैं, लेकिन तब भी भैया विजय सेतुपति बोलते हैं जितने पैसे मांगूंगे उतने दूंगा, उससे ज़्यादा दूंगा, लेकिन मेरा केस दर्ज होना चाहिए। और बस उसके बाद केस दर्ज होता है जैसे तैसे करके, एंड देन उसके बाद पूरी फिल्म आगे बढ़ती है। देखो, ये फिल्म अगर आप बोलोगे ना, आपके मन में आएगा भाई, जब आप स्टोरी सुनोगे तो आप अभी आपने सुना होगा तो आपको लगेगा भाई ये कैसी स्टोरी है, बेहूदा स्टोरी, क्या है कचड़े के डब्बे के पीछे क्या FIR। भाई साहब, जब आप इस फिल्म को देखने बैठोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ जी हाँ, जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये फिल्म क्या चीज़ है। मैं देखो कुछ भी नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज इस फिल्म का जो है ये प्लॉट ही सस्पेंस थ्रिलर से भरी है फिल्म है। ठीक है, अगर मैंने आपको कुछ रिवील कर दिया, छोटी सी चीज़ भी रिवील कर दिया, वैसे छोटी सी चीज़ भी रिवील करूँगा तभी कुछ बड़ी चीज़ नहीं होगी, बट स्टिल स्पॉइलर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चिंता मत करो। तो बस उसी के ऊपर ही केस चलता है एंड उसी के ऊपर ही पूरी फिल्म बनी है कि यार क्या है ऐसा उस टीन के डब्बे में, कचरे के डब्बे में क्या है, क्यों उसके पीछे विजय सेतुपति इतने लाखों रुपए खर्च करा रहे, क्या है उसका रीज़न, क्या कुछ उसमें है या क्या है, उसी के ऊपर ही पूरी फिल्म बनी है। 2 घंटे 20 से 25 मिनट की टोटल फिल्म है जो मैंने हिंदी में देखी। ठीक है, शायद तेलुगु लैंग्वेज, सॉरी तमिल लैंग्वेज में जो रिलीज़ हुई ऑरिजिनली उसका शायद ड्यूरेशन बढ़ा है, बट अगर बात की जाए कैसी है ये फिल्म, ओके सर देखो, ओके ठीक है, अगर बात की जाए कैसी है ये फिल्म, एक्टिंग 5 out of 5 star। भाई साहब, भाई साहब, विजय सेतुपति की एक्टिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस, इतनी ज़्यादा ज़ोरदार देखने को मिलती कि भाई हर एक मूवी, जब जब उनका सीन आता है उस फिल्म में, हर एक सीन, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो एक्शन से भरा हो, चाहे वो ड्रामा वाला कुछ हो, या फिर थोड़ा बहुत एक कॉमेडी टाइप का, उनकी सीरियसनेस एक्टिंग जो जो दिखाई गई है, हर एक चीज़ ज़ोरदार है कि आपके मतलब होश उड़ेंगे, आप बोलोगे भाई क्या एक्टर है। वहीं पर बात किया अनुराग कश्यप की, ओह माय गॉड, एज वो भी एक डायरेक्टर है, बट देखा जाए तो उनकी एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी भर के आती है यहाँ पर स्क्रीन पर। वहीं पर बात किया हर एक एक्टर एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, मैं आज तक नाम नहीं जानता कौन साउथ के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस है, मैं नाम नहीं जानता, बट हर किसी ने यहाँ पर अपना काम परफेक्टली किया है, परफेक्टली निभाया, ज़ोरदार तरीके से किया, जिसके चलते एक्टिंग में तो हर किसी ने ज़ोरदार दिखाया। वहीं पर बात किया अगर इस फिल्म की बेस्ट पार्ट क्या है, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, भाई साहब, भाई साहब, जब मैंने इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ तारीफ़ सुना था तो लोगों ने बोला भाई फर्स्ट हाफ जो रहेगा फिल्म का ऊपर नीचे है, बट सेकंड हाफ जोर था, बट मुझे फर्स्ट हाफ इस फिल्म का बहुत अच्छा लगा, सेकंड हाफ बहुत 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 ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सेकंड हाफ में ट्विस्ट और टर्न्स जब खुलते यार दिमाग घूम सा जाता है। मैं बोल सकता हूँ आप एक का ट्विस्ट एंड टर्न को फिर भी ना प्रेडिक्ट कर पाओगे, बट जो पूरी फिल्म जिस पर चल रही, पूरा फिल्म का बेस जो है वही एक ट्विस्ट एंड टर्न से भरा, जब आप वो आता है ना तो आपकी दुनिया जाती है, यानी कि क्लाइमेक्स आता है तो आप बोलते हो भाई ये क्या था, क्या है ये। एंड हर एक प्लॉट, हर एक ट्विस्ट इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़ोरदार, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि भाई ये थोड़ा ओवर कर दी या ये थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा वैसा हो गया, नहीं, हर एक चीज़ परफेक्ट लगती है भाई साहब। जिसके चलते बात करें तो इस फिल्म का अगर कोई जिस फिल्म को बेस्ट बनाता है, सबसे बेस्ट बनाता है एक्टिंग के अलावा, तो वो है स्क्रीन प्ले, फिल्म का स्क्रीन प्ले मज़ा आ गया भाई सच्ची में। बाकी हर एक चीज़, यहाँ तक कि इस फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, गाना वसन कुछ में खास नहीं है, अजीबो गरीब है थोड़े थोड़े, ठीक है, बट स्टिल अगर बात किया तो इस फिल्म का BGM बैकग्राउंड म्यूजिक जो, ओ माय गॉड, वो भी इस फिल्म का जो माहौल रहता है, जो मूड रहता है, उसे बना के रखता है। ओवरऑल देखा जाए तो महाराजा इज़ अ मस्ट वॉच फिल्म, जाइए अभी देखिए, नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं, टेलीग्राम जिंदाबाद, ठीक है, जाके इस फिल्म को देखिए, बहुत ही सही फिल्म है, मैंने हिंदी में देखा, बाकी आपको तमिल अगर आती सब टाइटल ऑन करके देखो तो उसमें देखो, बट जो भी है इस फिल्म को बिल्कुल मिस मत करो। अगर बात किया मैं कितनी रेटिंग देना चाहूँगा तो 5 out of 5 मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा, 4.5 star, भाई जाके देखो, बेस्ट फिल्म है, 1 of the best फिल्म है इस साल की। तो बस आज के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना, ऐसा कोई बोलता है क्या, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।